अस्सलाम वालेकुम एवरीवन माय नेम इज मोमिन अली मुंशी आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड दिस इज अम्मा टीवी और मैं हम लोग वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ बल्कि मेरा तो आज दिल कर रहा था कि अम्मा टीवी और मैं को थोड़ा पॉज कर दूं थोड़ा साइड में कर दूं और व्हाट्स दिन वन की एपिसोड आज शूट कर दूं तो मेरा दिल कहा जी तेरी गर्दम रोड तेरे प्योदा तू ते प्योदार क्यों कह रहा हूं मैं आपको पता है इंडस्ट्री में क्या हो रहा है आप जाके इंस्टाग्राम खोलो देखो गैलेक्सी लॉलीवुड आपको पता चले कभी यहाँ पे कुछ हो रहा है वहां पे कोई यहाँ बोल रहा है कोई वहां पे लोग भी कमेंट कर रहे थे कि व्हाट्स द फोर वन वन की एक इमरजेंसी एपिसोड तो बनती है अच्छा जो नहीं लगी नहीं, लगी, तो, तो पहले चल लेकिन नहीं हमारा तो थर्सडे को आता है, और अम्मा और में को आता है। और ये इसी तरह रहेगा वैसे पता अभी एक डेवलपिंग स्टोरीज हैं काफी हद तक तो अभी बात खुल रही है

बाकी सब बातों को हम थर्सडे को डिस्कस करेंगे बट क्योंकि अम्मा थोड़ा बोलना जाहिर हो रहा आप एक तो बोलो कुछ जी वाली बात लोग थोड़ा मैं दूं कि थोड़ा बता एग्जैक्टली हुआ क्या हुआ कुछ यूँ है कि जन्नत मिर्जा एक बहुत फेमस टिक टॉकर है उनकी एक वीडियो आई जिस पे क्रिस्चियन कम्युनिटी बहुत ज्यादा ऑफेंडेड हुई बहुत ज्यादा वो हर्ट हुई उस उस वीडियो के ऊपर तो बुशान साह जी ने उसी वीडियो पे कमेंट किया उन्होंने अपने कमेंट्स का इजहार किया फिर जना मिर्जा ने उन पर वापस कॉमेंट किया लिशबा जो उनकी बहन है और उमर जो उनके आई थिंक बात पकी होगी तो उनके मंगेतर बने उन्होंने कॉमेंट किया तो एक छोटी कॉन्ट्रोवर्सी होगी बट उनके जो लफ्ज़ों का जो चुनाव था उस पर बहुत ज़रा लोग कुछ कॉमेंट करें तो अम्मा भी आती है उस पर अवसर मैं ये कहना चाहती हूँ जन्नत और उसके जो भी बहन और मंगेतर जो भी हैं बच्चों बड़ों का अदब करना चाहिए बुशा जी ने गलत किया सही किया उस बात में मैं नहीं आ रही बेटा कोई तरीका होता बात करने का बुशरा जी जब मेरी बात उनसे कुछ हुई थी जो भी उस वक़्त मैंने जो कुछ वीडियो कुछ भी कहा एक दफ़ा मेरे मुंह से लफ्ज बुशरा नहीं निकला मैंने उन्हें बुशरा जी ही कहा तो बेटा ये गलत बात है

बहुत बुरा लगा खैर इन सब बातों को हम लोग थर्सडे को डिस्कस करेंगे व्हाट्स द फोर वन वन में आज बहुत ज़्यादा प्रमोशन होगी ना शो की व्हाट्स द फोर वन वन की खैर हम बात करते हैं अम्मा टीवी और मैं की तो पहले मैं बात करूँगा लास्ट वीक की एपिसोड की तो लास्ट वीक लोगों ने हमारे खुदा और मोहब्बत के रिव्यू को बहुत पसंद किया लोगों ने बहुत अग्री किया हमारी बातों से हमारे तबसरे से तो थैंक यू उसके अलावा लोगों ने कहा अम्मा आप कैसे ये बात नोट ना कर सकें कि नीली जिंदा है में मुहिम मिर्जा स्वेटर पहन रहा है और बाकी लोग गर्मी कपड़े पहन रहे हैं अच्छा ऐ नहीं है कई ड्रा <laughs> इसी ड्रामे का मसला नहीं है ये जो ड्रामा मोहलत लग रहा है उसमें सब आम कपड़े पहन रहे हैं और सामा बचा वो पहन रहा है जैकेट पहन रहा है जैकेट पहनता पूरा तो वही कह रही हूँ चीज़ का मैं कोई नहीं कह रही वो मैंने कई ड्रामा में इस तरह देखा को कोई स्वेटर पहनता है वो वाला सबार ड्रामे में उसमें भी तो ये ये वाली चीज कोई नहीं अक्सर लोगों ने कहा हक मेहर की जहाँ तक बात है अम्मा जी और लोगों ने वैसे भी कमेंट किया

खाली दुखी नहीं हो इतना दुखी और ड्रामा है अब ना जैसे रात को कुछ जैसे लगा तो ऐसे परदेश देखा हाई अल्लाह उसमें फिर वो सीन मैंने देखे इतना मेरा दिल खराब हुआ इतना कि मैं बता नहीं सकती कि आम जिंदगी में भी इस तरह मैं बहुत से लोगों को दुखी और इंडिया का गाना भी है तेरी बीवी करती है सेवा शक्त से पर लगती है बेवा <laughs>

कि मतलब सारे जो जो प्रदेश में गए हैं उन सब का उन सब के लिए ये वाली बात है कि उनकी बीवियाँ बेचारी शोहरों के होते हुए बेवा जैसी जिंदगी होती है इसमें फिर मैं क्या करूं इतना दुख होता है कि जो बाहर गए होते हैं जैसे अब सरमद है वो बाहर गया होगा उसके लिए जब वो वो जो सारे सीन होते हैं कि जैसे घर में बंदा होता है उसकी बीबी बेचारी अच्छा के साथ घर में जो ज्यादा सारा कुछ हो रही मियाँ उसका गया हुआ में। जो दवाइया वो काट रही है ऐश घर वाले कर रहे हैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता आगे बढ़ते हैं आज हमने फिर से नीला पहना है कूल कलर क्योंकि कमरे की जो गर्मी है वो खत्म होने का नाम ही ले रही एसी एसी मैंने घंटा पहले चलवा दिया था कि जरा आज मैं सारा फ्रेश फील करूंगा गर्मी वहां की वहां ही, आपके एसी हो गया खराब इसको हमें बदलवाना पड़ेगा नीला रंग कूल के लिए नहीं पहना नखतियों कहते होंगे ना अम्मा अपने सूट का पता ही कहाँ का दे, दे सूट तो मैं, इतनी मजे के लिंक किया ब्लू से अम्मा ने सारा मेरे

उसका मैंने शो रात को है मैं टी वी पर लगा हुआ था देखा मेरे अल्लाह आमर लिया सियासतदान है जो कुछ है जितना बड़ा मर्जी आदमी है है तो इंसान का बच्चा उसके लिए कोई कानून तो होना चाहिए मेरा दिल करता है आधा घंटे के लिए मुझे मिल जाए संसद की वो जो सदर बन जाऊँ मैं वो मेरे अल्लाह की वो बंदा छुनिया से मे चारे कि और बच्चा फाह था इतना शो मैंने देखा हाई थोड़ा जिन्हा देखे एडा बेलगाम घोड़ा नहीं होता जेड आए मेरे अल्लाह बच्ची बेचारी नी सहमी पाई कसम वाली गल खुद कूद के कवे तेरे ते टिका खुद कूद के कोई भी बात पूछने जाए फिर बीच में गर बातें करनी अब जब जो सारा यकीन करे स्टेज ड्रामे इतने शौक से हम लोग देखते थे जो में लगते थे उसके बाद जो लगने शुरू हो गए ना किसी और जगह पे फिर वो ड्रामे देखने वाले नहीं थे इसी तरह आमर लियाकत आमर लियाक़त के शो में जब लड़कियां भी आती हैं किस तरह अमर लियाकत वलगर बातें भी नोमा महीना पता नहीं वो बात की कोई लिंक होता नहीं होता और बात बात, बात पर लड़कियों पर चढ़ना सेंसर होना चाहिए आमर लिया के शो में खुदा का वास्ता वो कितना कि तो है कि उस कर नहीं सकते बहुत गलत आमर लिया यही मैं शो नहीं देखती बस अचानक ही रात उसको देखा तो किंजार फाज का था और मैंने देखा कि आमर लियाकत बहुत बेहुदा हरकतें कर रहा था आगे बढ़े फिर हाँ आई थिंक शो की शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं रिव्यू टाइम रिव्यूज की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मोहलत के साथ जो पूरा हफ्ता लगता है तो मोहलत कैसा रहा मोहलत ड्रामा मेरा सबसे फेवरेट है मजे का ड्रामा कलरफुल एक्टर सारे अच्छे कहानी इतनी मतलब बहुत आता तो आता भी है आता है है ऊपर से मजा आ जाता ये ड्रामा देखने का ना बहुत मजा आ रहा है अब जैसे बीच में जो थोड़ी थोड़ी मतलब पूरा वीक एक लगता है समझो वो दो माह का ड्रामा लग जाता है क्योंकि तो हर हफ्ते हाँ। अगर लगाया जाओ तो दो माह के ड्रामे में अगर एक एक चीज का मैं वो कह देती हूँ कि जो गलती है ए, एक एपिसोड ऑफ़ आती है, हाँ। तो जो पूरे एक में पूरा लगा, दो माह का ड्रामा एक वीक में हाँ। तो इसमें तो, जो छोटी छोटी बातें इसकी कहानी बड़ी डिफरेंट है मजा आ रहा है अच्छा इसमें अब जो माहम का तो, बाप है अपने घर आया अब ये जो बेचारी तीन बच्चियां हैं जिनको तीन बच्चियों ने इसने छोड़ दिया था अपनी अस्मा बीवी को सफ़िया उसका नाम था अच्छा अब उसको छोड़ दिया उसको ना महीने का खर्चा देने के लिए आया अक्सर महीने का ख़र्चा बीच में नहीं देता तो इसमें उनकी बहन है तल्लत बुशरा जी वो अपनी भतीजियों को खर्चा देती है महीने का ठीक है अब खाने की टेबल लगी हुई है खाने की टेबल पे आके बैठा है देखता है वहाँ पर एक सालन पड़ा हुआ है सिर्फ़ एक सालन गोभी का अब बताओ उस आदमी के ये वाले फिक्रे कहने बनते थे कहता ओह बस आपकी टेबल पे ये खाना बस हमारी टेबल तो भरी होती है खानों से बच्चे का अपना खाना होता है मेरा अपना उसका अपना उसका फला मैं सिर्फ पूछना चाहनी भाई कहता टेबल मेरी साड़ी भरी हुई है तू तो ही हर माँ वही देता है ना खर्चा अभी भी तूने एक लिफाफा पकड़ाया है ना तुझे पता होगा ना उसमें दस हजार है बीस हजार है या तो तू तो कहता ये लिफाफा पकड़ा के कहता अच्छा तुम लोग ये खाते हो एक ऐसे और निकालता कि ये लोग हम लोग अच्छा खाना खाते तुम लोग बस ये खाते हो <laughs> दो लफाफे करने चाहिए थे से। आया, <laughs> मजा आया इंजॉय किया बच्ची बच्ची अगो है नगोर माड़े अब्बा जी जिरा जो खर्चा जी दा महीना सिर्फ हफ्ते एक बार खाई जा बकाया सारा महीना दाल तो सब्जिया ही खाई दी सारी गल्ला सुन के प्यो ने एक पिज्जा मंगाता चलो पिज्जा तो मंगा दिया ना एक पिजा मंगाता खर्चा थोड़ा जब खर्चा बढ़ाना नहीं है खर्चा तुम ही देते हो तुम्हें पता है इस तरह तो सारी अब चीज कहती पर ये है तरह की। अच्छा उसके बाद अब वो जो की कसूर वो जा रहा है बच्चा दावर हॉस्पिटल जा रहा है हॉस्पिटल जा रहा है हम सो रही है महा के बेड के पास रखे गया नोट्स रखे गया है कि मतलब तुम मुझे कॉल कर लेना अब नेक्स्ट सीन जो दिखाया है वो नीचे डाइनिंग टेबल पे नाश्ता कर रही है कल्लक आ गई है उसकी सास उसकी जो फुफो है वो कह रही है का, मारी तेरी ऑपरेशन हो तो की करण नहीं है तू तो चलिया खान नाश्ते कर रही है ये सारी बात में ना वो कहती है आपका वो जो बेटा दावर मुझे बता देता मुझे फोन कर देता फोन किसलिए इतने में वो नोट्स उठाती है कहती ये देखो वो तो लिख के गया हुआ है बेड के कोल रख के गया वो अपनी बीवी सुती पई है उठेगी दसो डैनी टेबल दे नोट्स किस तरह आ गया जरा नहीं सोचा तो बकाया ये वाली इस हफ्ते की जो सारी एपिसोड थी ना वो जैसे बच्ची रिदा है ना उसका ब्रेन ट्यूमर है तो उसका ऑपरेशन वगैरह रहा तो सारी जो थी ना बड़ी दुखी दुखी सी थी ना मतलब इस ड्रामे का मेन सबसे मजा आता है पुफो तलत का और माहम का हाँ ये जो दोनों के आपस में जैसे लड़ाई का।, का सबसे बेस्ट पार्ट इन दोनों का कि मजा आ जाता है देखने का वो माम करती है, आगे जिस है, करती आगे अटैक है है ना बहुत ही मजा आता इस चीज का माह तो ये वाली एपिसोड जैसे जरा दुखी थी पर सब की एक्टिंग जैसे बच्ची रीधा बेस्ट थी उसकी सभी ना हाँ जैसे उसी उसी का ऑपरेशन हो रहा है ना अच्छा देखिए इस ड्रामे में राइटर ने बहुत अच्छा जैसे माहम है इतनी चुड़ैल इतनी डैन दिखाई है कि बहन का ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हो रहा है उन्होंने गल् पे प्रेमी को मैसेज कर दी पी प्रेमी ना गल कर दी है बहन बेचारी कह रही है कि मैं जाने से पहले मिलना चाहती हूँ पता नहीं मैंने बचना है कि नहीं मां हम नहीं आती ठीक है गुस्सा चढ़ा हा है किस तरह की ऊपर से जो फिर दो बहने नवेरा और रिदा उन दोनों की बॉन्डिंग दिखाई है प्यार वाली इतनी अच्छी इतनी प्यारी वाकई बहने जो प्यारी बहनी होती वो इसी तरह होती हैं एक एक नवेरा को बुलाती है ऐसे करना, ये करना, वो करना। बहुत ही मजे का ड्रामा जैसे रिजा की, की बातें मजेदार होती है पर रिदा की बातों का ना जैसा वो भी सेम ऐसी बातें कर रहा है मुझे नहीं जो बातें कर रहा है वो भी सेम रिदा वाली अप... वो भी महा पे जो अटैक करता है ना मजा आ जाता है

लातारी हाँ बेचारी कहें कि मेरी जीभ भी हालत हो अच्छा मैं ये कह रही हूँ कि नुमान जहाज इतना इतने बड़े अदाकार हैं जो अभी रोल वो कर रहे हैं उनका नहीं है मेरा ख्याल है कि होएगा नुमान जहाज का नुमान वो भी नहीं हो सकता जो बड़ा जो सारी कोठे को चला रहा है जो बहुत बड़ा बंदा है पर नुमान का कुछ निकलेगा ज़रूर क्योंकि इतना बड़ा नाम खाली एक बंदा हर आके दो तीन में सिर्फ पेंटिंग कर रहा है और कुछ कर रहा है बच्चों को पाला और कुछ नहीं है नुमाजहाज़ कुछ होगा जरूर छिड़ नहीं पता क्या है क्या क्या कुछ लेगी। लेगी। उस थे, थे। उन्हें कहा मेरा का नहीं कहा तो किस करा अब बच्ची नसीम जोहरा उसने कहा मैं कुछ स्टैंड लूंगी मैं कहती हूँ आम जिंदगी में भी अगर आप कुछ कर सको ना जैसे अगर माँ है बेटिया है एक अगर आप इस चीज को समझो कि आप एक ताकत हो किसी तरह कर के, मुझे नहीं पता करके कर शेरवानी के साथ शादी करने का है। नसीम लग कुछ अब नसीम जौहरा का नहीं पता कि वो, 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 वो बच्ची अब बड़ी हो के मतलब क्यों निकलेगी क्या बनेगी ये नहीं पता देखिए अच्छा है बहुत मजे का ड्रामा आगे बढ़ते आगे बढ़ते हैं बात करते हैं क्यामत की तो क्यामत इस हफ्ते कैसा रहा क्यामत ड्रामा क्यामत का मैं बाद में करूंगी पहले कुछ आप आर्मी आपका अम्मा क्या अल्लाह अम्मा के बच्चे, अम्मा के बच्चे। <laughs> नहीं, मैं सद के मेरे बच्चे मेरी फोर्स मैं उन्होंने बच्चे पता करो रूज कौन है के ना पता था, उस बच्ची बहार <laughs> ये, ये बहुत अच्छी थी तो उसने, फिर बताया उसने अम्मा, अम्मा मैंने तीन ड्रामे गिनती है कौन से आपने मेरे ड्रामे देख लिया इतफाक आ गए लगा के ना आगे क्या मत ड्रामा मैं कह रही हूँ जियो कर दो की गुना गीता उस ड्रामे का इना खिंच ना, ना उन ड्रामे कुछ है ना कुछ करवा करवा के जब आज बेचारा अच्छा खुद ही सारा कुछ कर करवा के अब मुझे जो इफरा ने किया ना उसके साथ खाला के साथ खाला नाजरा के साथ मुझे बड़ा बुरा लगा हाई खाला नाजरा एक चंगी पली ਬੇ ਜੋ ਥੋੜਾ ਬੋਗਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜ਼ਿਆਤੀ ਕਿ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋ ਰਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਰ ਨੇ ਐ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੱਚੀ ਰੂਜ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਆਪ ਕਹਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ پیچھے हट ਜਾਓ ਇਫਰਾ ਸੀ ਹੈ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਫਰਾ ਦਾ ਕਿ ਚਲ ਜੀ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਸਿਆਤ ਸਚਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨਾਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਬੇਦ ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਡਾਲਾ ਆਪ ਬੇ ਆ ਉਹ ਬੱਚੀ ਹੈ ਸਨਾ ਕੇ ਲਈ ਇਫਰਾ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਾਸ਼ਦ ਕੇ ਸਾਥ ਜਿੱਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਏ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸਨਾ ਸੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਹੈ ਉਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਬਾ ਕੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾ ਅੱਬਾ ਤਰਫ ਖੇ ਖਾਂਡ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਉਂ ਅੱਬਾ ਵੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਚਾਕ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਚ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਰਿਹਾ ਐ ਐਡੀ ਬੇਹੂਦਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੇ ਕਿ ਸੱਕਾ ਪਰਾ ਹੈ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਧੀ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਰਵੇ ਉਹ ਕਿਥੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਸੋ ਰਿਆ ਨੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਧੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦ ਇੱਕ ਵੈਲ ਤੇ ਹੋਏ ਅਮੀਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਤੋਂ ਇਹਦੇ ਮਾਪੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓਗੇ ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸਗਾ ਭਾਈਆ ਇਧਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਕੋਈ ਹੈ ਬੇਤੁਕਾ ਚਾਕਨਾ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਦਿਆ ਇਫਰਾ ਰਜ਼ਾਨਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਬਾ ਕੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੀ ਮੈਂ ਅੱਬਾ ਕੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੋ ਅੱਬਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਫਲਾਨਾ ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਅਰੂਜ ਏ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਣਾ ਹੁਣ ਅਰੂਜ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾਂ ਨੀ ਅਮੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਖਾਲਾ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ ਖਤੀਏ ਕਰਾਰਾ ਵਿਆਹੀ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਜਮਾ ਤੂੰ ਤੇ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਉਹ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਰੇੜਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਐਡਾ ਗਰੀਬ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂਗਾ ਆਪ ਇਤਨਾ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬ ਤੇ ਖਾਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈਏ ਖਾਲਾ ਮਾਮੀ ਪਲੀਜ਼ ਆਪ ਛੋੜ ਦਿਓ ਉਸਕੋ जंगल का पीछा छोड़ दें शादी नहीं करनी जवात की माँ चुले ला, पापा दी करनी, क्यों मैं किस गोरबानी दै तो बया करके छा अच्छा भैन फोन कर दी भैन कह न खती है मैंने इना जलील करके गई मेरी नो तो खुदा तो बस आप बड़ा पे सानू इना जलील कर आप ही ना जलो बया ना कर कहूं तो मैं करके छा ਮੈਸਾਜਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਂਦੀ ਰਹਾ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਤੂੰ ਅਮੀਰ ਨਾ ਕਰਾਲਾ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਕਾਂ ਖਾਲਾ ਕਾ ਖਾਲਾ ਮਰ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਕਮ ਅਭੀ ਮੈਂ ਰਹਾ ਹੁਣ ਬੜੀ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਕੁਮਾਰੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਥੀ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਬੇ ਤੇ ਦਸ ਜਿਓ ਚਾਹਦਾ ਕਹਿਤਾ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੜਾ ਹੈ ਖਾਲਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖਾਲਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਲਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਹੁਣ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈਆਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਖਾਲਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਰਾਸ਼ਦ ਦੀ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਬੇਤੁ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੇਨਾ ਸਭ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਅਤ ਕਮ ਦੋਸਤ ਪਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਪਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੋ ਗਿਆ আচ্ছা ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਆਪ ਡਰਾਮੇ ਮੇਂ ਸੀਨ ਹੈ ਡਰਾਮੇ ਕਾ ਐਂਡ ਕਾ ਸੀਨ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਅਰੂਜ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਮੇਂ ਗਈ ਹੈ ਵਹਾਂ ਪੇ ਉਸਕਾ ਸ਼ੋਹਰ ਹੈ ਉਸੇ ਸ਼ੋਰ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟ ਮੈਨੇ ਦੇ ਦਿਓ ਕਹਤਾ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ वही पे इफ्रा अपने बाप के लिए रिश्ता देखने आई है ठीक है ओदी दोस्त लेके आई है ओदी जेडी जेडी अम्मी बननी ओदी ओ प्रिंसिपल है कोई अच्छा वो भी बाद में आए हैं इफ्रा ने पहले ये सीन देख लिया अरूज वाला अरूज बच्ची है ओ अरूज बच्ची ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਸ਼ੀ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦੇ ਨੀਲਮ ਦਾ ਘਬਰਾਣਾ ਬੰਦਾ ਨੀਲਮ ਕੀ ਕਰਦੇ

ਕਹਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਇਹ ਅਬੂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਏਡੀ ਜਿਸਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਉਂਦੇ ਕਸੂਰ ਜ਼ਾਬ ਪੈਣ ਜੀ ਨਿਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਨਾ ਜਿੰਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਫਿਰ ਉਸੇ ਚ ਕੇ ਪਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾਦਰ ਖਾਲਾ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰਮਝਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਸ ਕੋ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ ਬਸ ਕਰ ਦੋ 4245 ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ ਬਸ ਕਰ ਦੋ ਆਗੇ ਬਣੇ ਆਗੇ ਬੜਦੇ ਹਨ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹਨ ਨੀਲੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਤੋ ਨੀਲੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾ ਰਹਾ नीली जिंदा है मेरा फेवरेट ड्रामा आठ बजे आता है इसकी कास्ट बड़ी मज़े की है नीली वाले ड्रामे में मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जो उसकी सास है दिखाई मुहिब की जो माँ है वो चुड़ैल थी बच्ची मैं पूछना चाहनी हूँ कि जब तेरा बच्चा पहले ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था तेरे पास तो रह ही ना था तो 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 कौन सी चीज़ सिर्फ देखो एक किड्डी बद फितरत सस्सा होती है जो भी आम जिंदगी में भी होती है अल्लाह गर करे क्यों इसलिए कि तेरा बेटा तो आगे आस्ट्रेलिया था अब सिर्फ ये चीज़ है कि बीवी क्यों साथ रह रही है सिर्फ ए चीज़ दाड़ा दा ए चीज़ तड़प तड़प के पागल चुड़ेर बनी पड़ी हुई है उन पता नहीं चलता मैं कराँ की अब इसमें दिखाया कि वो किसी बाबे के पास गई है मुझे ये वाली बात अच्छी नहीं लगती यहाँ तो होता है काला जादू तो यहाँ अल्लाह के नेक बंदे जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं वो पैसे दिया वगैरह कुछ नहीं लेते बस पढ़ने के लिए बताते हैं ये वाली चीज़ करो तो अब इसमें दिखाया वो सारा कलमे वगैरह लिखा दिखाया अल्लाह का नेक बंदा है पूरा फ्रॉड

मतलब ईशा के बाद पढ़ो इस तरह पढ़ो तो वो तुम लोगों की मुश्किल होगी खावन नाराज होगा खावन से प्यार के लिए कुछ के लिए वो पढ़ने के लिए चाहते थे लेते कुछ नहीं थे नहीं। हाँ अपनी मर्जी से हद अगर किसी का दिल करे जाते हुए गले में जो अपनी मर्जी से मजबूरी नहीं कि लाजमी मांगते हैं जिस तरह इस आप ड्रामा में दिखाते हैं कि पूरे चारों कूल सारा डाल के ये आगे करना अच्छा अब इसमें जो नीली बच्च इस ड्रामे में भी और हर हॉरर ड्रामे में

ले लेద్దాමු પણ કુંગણ નલ કોઈ આ બગી આગળ જેસી હોરર ડ્રામા કે ખેચેગા મતલબ અબી ઇસમે ઇતના કુછ ની બસ ઉસ બચ્ચી કે સાથ સારા કુછ હો રહા હૈ મુજે પસંદ આ રહા ડ્રામા આગે બને આધી આગે બઢતે હૈ બાત કરતે હૈ ફિતૂર કી તો ફિતૂર કેસા રહા ફિતૂર ડ્રામા ઇસ વાલી એપિસોડ મે કુછ ઇતના ખાસ હી થા ફિતૂર ડ્રામા કે રાઇટર કો મે કહેના ચાહતી હું રાઇટર બેટા इस चीज़ में क्या 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 मैसेज क्या बताना चाह रही हो कि जो हैदर बच्चा है वो इसी चीज़ पे है कि दिलनिशीन का कोई माजी ना हो हालांकि हर किसी का लड़का हो लड़की हो कोई ना कोई माजी होता है अगर एक लड़की का माजी है वो शादी करके अपने मियाँ के साथ शराफत से एक बाह या तरीके से चल रही है तो माजी गुजर गया इस चीज़ की क्या बात हुई ऊपर से इस चीज़ का मुझे यह गिला है कि जो हैदर बच्चा हैदर बच्चे ने बनाया पाया कि मैं मर जाऊंगा मैं लुट जाऊंगा ये एदा कोई माजी होया oh. अगर ये वाली बात है तो फिर हैदर सिर्फ इस बात पर गौर करे कि तेरा माजी था तू एक लड़की से प्यार करता था कर लिया अब वो लड़की तेरे घर में रह रही है उसके लिए तूने इतने सालों तक शादी नहीं की तेरी भी बीवी इंसान है उसे भी ये सारी बातें हट करती हैं ये क्या बात हुई तो तू उसकी चीज़ को कहता है कि वो पता चल जाएगा तो पता नहीं क्या होगा तेरा सारा राइटर है समझ नहीं आया मन आएमन की चीज़ दिखाई है अब इसमें राइटर ने दिखाया है कि उसकी जो माँ है दिलशी की वो अच्छी वो कह रही है कि मेरी बेटी के घर बसा रहे बेटी को गुस्से से भेज के ना दुखी बड़ी है तो जरूरी नहीं होता कि गुस्से वाला तरीका वो तो वो होता है कि अगर आप इस प्यार से पहले समझाओ ना समझे फिर तो माँ जो है वो तो समझाती गुस्से गुस्से माँ दुखी हो रही है ना भाभी को कहती है तू मुझे प्यार से समझा देना मैंने उसे उससे से कह दिया अच्छा अब दिलिशी ने बेचारी खाई ना दिलिशी ने तरस आंडिया बेचारी माँ ने करता या दो मेहमत बेहोश हो गई वह बेहोश हो गई डॉक्टर ने बुलाया तो नहीं हो गई नहीं मैं भी समझी समय शायद डॉक्टर ने कहा सख्त टेंशन में स्ट्रेस में है इसे टेंशन वाली स्ट्रेस वाली बातों से दूर रखें सारा कुछ हो गया उसके बाद हैदर आप नीचे गया ਹੈਦਰ ਕੀ ਮਾਂ ਵੀ ਕਹਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈਦਰ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਚੜੇਲ ਮਹਿਮਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ ਤੂੰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਚੜੇਲ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਤੇ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈਦਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ ਦਿਲਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮਜ਼ਾ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਤੀ ਉਹ ਸਕੇਵਾਂ ਪਤਾ ਯਾ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਾਤਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸੇ ਬਚਾਣਾ ਹੈ ਹਦਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਪੁੱਛ ਲੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਹਿਦਿਆਤਾ ਲੈ ਕੇ ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਐ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਸੀ ਕਿਉਂ ਨੇ ਆਂਦੇ ਸਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦਾ ਹਾੜ ਫੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਹੇਗੀ ਤੀ ਤੌਤ ਸੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹਤਾ ਉਹ ਚਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੌਣ ਅਮਸਾ ਚਲਾਕੋ ਮਾਸੀ ਚਿਲੋ ਕਮਾਸ ਕੀ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਕਿਹਾ ਸਮਝ ਭਾਬੀ ਉਹ ਤੁਮੰਨੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਨ ਹਮਜ਼ਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹਮਜ਼ਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਅੱਛਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਗੱਵਚਾਹ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹਮਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੈਸੇ ਅੱਛਾ ਇਸ ਬਾਤ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤਸਵੀਰ ਕਾ ਲਈ ਹਮਜ਼ਾ ਦਾ ਉਹ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਮਹਿਮਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਪਲ-ਪਲ ਉੱਠੇ ਮਹਿਮਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਚ ਜਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸੁਣੇ ਮਹਿਮਲ ਕੋ ਮਹਿਮਲ ਕੋ ਸਬੂਤ ਲਵੇ ਫਲਾਣਾ ਕਰੇ ਮਤਲਬ ਦਿਲੀਸ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਮਹਿਮਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਐਲ ਫੜ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਮੈਂ ਬਰੇ ਕਹਾ ਤਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਿਹੋਚ ਕੇ ਠਾ ਕਰਕੇ ਡਿੱ ਗਿਆ ਸੋਫੇ ਤੇ ਹੈਦਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਲੱਗੀ ਦੋਨੋਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤੇ ਕੱਲਾ ਬੱਚਾ حمza ਤੇ ਦਿਲਨਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਤੂੰ ਡਿੱਗਦਾ ਵੀ ਦਿਲਨਸ਼ੀਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਹੈ ਤੋ ਇਹ ਕਿ ਇੱਟੇ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ

कह फ् ड्रामे को मैं फांसी देव मैं इन्नी खुश हुई मैं क्या हूँ दो किस्त हो यकीन करो ना एक किस्त च हिलदा ना दो किस्तों च हिले बस ए, हो ए हो साहिल बेचारा फटे गया साहिल बच्चे की फिर राइटिंग इतनी शानदार मजा आ गया मैं ये कहना चाहती हूँ फांस ड्रामे वाले की राइटर से कहूँ या किस से कहूँ की सी जेबा बच्ची एडी जहीन एडी ब्रिलियंट दिखाई है ਪੂਰੇ ਨਚਾਂ ਡਈਏ ਸਰਾਜ ਅੰਕਲ ਦੀ ਫੈਮਲੀ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਪਈਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੀਹੇਮ ਕੁਫਾ ਮਾਰੀ ਹਲਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਚ ਕਰਵਾਈਏ ਸਾਹਿਲ ਕੀ ਮਾਂ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮuje ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ੇਬਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਕੋ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਤੀ ਹੂੰ ਤੁਮ ਆਜੋ ਆਪਣੀ ਆਕੋ ਉਸਕੋ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਅੰਕਰਾ ਦਿਮਾਗ ਮੰਨੇ ਆ ਉਹ ਬੱਚਾ ਘਰ ਦਾ ਫੁੱਲ ਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਮ ਜਿਆਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗੂਗਾ जेबा से तमाशा देख चल गई वहां पे ना उस रात अंगल ने सारे न्यूज रिपोर्टरों को बुलाया होता है कि जेबा गलत है रिपोर्ट है। उन्हें ये भी पता चल गया कि जो था वो बच्चा बॉर्शन वगैरह हो गया सारा कुछ वहाँ पे सम्मत का नाम लिखा था कि वो बाप है जेबा आई है कहते पुछ लो एसआर गलत है इन्हें साढ़े बच्चे, सारे बच्चे गलत इल्जाम लगाया रिपोर्टर कहते पुछ लो पुछ लो जेबा रोंद आ गई तो किसी जेबा जान दे मस ड्रामे का एंड है कसराज अंकल ने रेप किया है समझदा तो आपको लग रहा है कि पता चल गया भी? मैं कहनी का हो के कर नहीं सकदा सराज अंकल ने रेप किया है तो एंड ते जेबा दा ते समझदा हो जाना जे ब्याह अल्लाह ला ते खैर सलाह और कुछ नहीं जो आगे बढ़ो फिर हां जी आगे बढ़ते हैं वीकेंड नामों की बात करते हैं पहले बात करते हैं रक्स बिस्मिल की तो रक्स बिस्मिल कैसा रहा रक्स ਅਨੀ ਰਾਤ ਚੁਕੂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇجتماਈ ਦਵਾ ਜਲਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯਾ ਮੇਰੇ ਮੋਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਮراض ਪਾਨ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਪਾਤ ਕੀ ਪੂਰੀ ਐਪੀਸੋਡ ਚ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਏ ਕਿ ਰੱਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜੋ ਮਲਖ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਸਾਰੰਗਾ ਸਾਰੰਗਾ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਮੈਂ ਨੈਨੋ ਮੈਂ ਅੰਸੂ ਆਏ ਰੇ ਸਾਰੰਗਾ ਮੈਂ ਮਲਖ ਸ਼ਹਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਮਲਖ ਸ਼ਹਿਰ ਯਾਦ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵਗੈਰਾ ਵਾਹਾਂ ਪੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾਹ ਪੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਰਗਾ ਰੱਖਾ ਵਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਏ ਭਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਇਹ ਜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜੇ ਚ ਇਹ ਚਾਰ ਆਪ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੀ ਦੋ ਟੁੱਟੇ ਜੇ ਸਾਲੇ ਇੱਕ ਟੁੱਟਾ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਸਰਬਰਾ ਤੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਰ ਦਾ ਉਸਮਾਨ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਲਾਣੀ ਏ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਸਰਬਰਾ ਏ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗਾਲੇ ਫੜਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਰਖਸ਼ ਬਿਸਮਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਮ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੋਦੇ ਕੇ ਮੇਜ਼ ਗਿਆ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਜ਼ਜ਼ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸੀ ਉੱਲੇ ਵਾਲੀ ਐੜੀਆਂ ਪਗੜੀਆਂ ਪੋ ਆ ਗਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚਾਰ ਕਿਹੜਾ ਜਿਰਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਰਗੀ ਸੀ ਅੱמא ਐਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਰਗਾ ਸੀ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਇਹ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਕੋਠੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਟੁੱਟੇ ਭਜੇ ਸੜੇ ਚਲੇ ਬੁਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਰਗਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅੱਛਾ ਜਿਰਗਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸਰੰਗਾ ਪੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਰੰਗਾ ਤੇਲੀ ਮੈਂ ਤਾਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਤੇ ਰਹੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਸਰੰਗਾ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਸਰੰਗਾ ਦੇ ਹਟੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੀਲਾ ਚਲੇ ਗਏ ਪੱਤੇ ਵਿੱਚ ਮੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੀਲਾ ਮੈਡਮ ਨੇ ਲੀਲਾ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਹ ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਲੀਲਾ ਮੈਡਮ ਹੈ ਲੀਲਾ ਮੈਡਮ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਦੀ ਐ ਫੋਨ ਨਾ ਲੈ ਲੈ ਮੈਡਮ ਫੋਨਸ ਹੁੰਦੀ ਐ ਹੁਣ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨੇ ਬਲੈਕਮੇਲਰਾਂ ਕੋ ਡੱਡੂ ਕਾ ਰਹੇ तकरीबन 35000 ਦੀ ਕਾ ਰਹੇ 35000 ਦੀ ਕਾ ਰਹੇ ਤੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਹੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਇਕੱਠਾ ਤਮਾ ਕਿਉਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਚੱਕ ਲਗੇਗਾ ਇਹ ਡੱਜ ਗਿਆ ਕਿ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ 5 ਕਰੋੜ ਲੈਣਾ ਐ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀਆਂ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਡੀਲ ਨੂੰ ਬੁਰਖਾ ਪਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਫੋਨ ਕਰਤੀ ਉਸਕੋ ਲੀਲਾ ਕੋ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸੇ ਪੈਸੇ ਲੀਲਾ ਚੰਗੀ ਪਲੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਪਈ ਐ ਤੇ ਲੀਲਾ ਲੀਲਾ ਖਾਤ ਕਪੜੇ ਬਦਲੇ ਤੇ ਜਾਣੀ ਐ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਰੋਕ ਸਟਾਰ ਬਣੀ ਆਪ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਫੁੱਲ ਚਾਰਤੀ ਬਲੈਕ ਕਪੜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਨੀ ਤੇ ਬਈਆ ਐਸਾ ਕਰੋ ਵੇਟ ਕਰੋ ਮੈਂ ਜਰਾ ਬੈਸਟੋ ਕਿ ਆਤੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੀਟਿੰਗ ਮੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਹਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਲੈ ਦੱਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨਾਇਲਾ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਖਾਇਲਾਡ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਚੱਲਿਆਂ ਕੀ ਦੱਸੋ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਵੀ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾ ਬਸ ਹਾਏ ਪੂਰੀ ਫਿਰ ਰੌਕਸਟਾਰ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਰੌਕਸਟਾਰ ਡਿੱਲਮੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਲੀਲਾ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਲੀਲਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਬਲੈਕ ਬਹੁਤ ਐਗਰ ਲੀਲਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਬੈਗ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਧੇ ਡਿਕਨਸ ਅਮਨ ਇੱਧੇ 5-5 ਆ ਕੇ ਨੋਟ تھے ਜਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੋਟ ਰਣ ਪੈਸੇ ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਹੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਲੀਲਾ ਚੁੱਕੀ ਨਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਢੀਤਰਕੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਦਾ ਬਰੀਫ ਕੇ ਚੱਡਾ ਸੀ ਅੰਮਾ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਛੋਟਾ ਵੇ ਜੇ ਨੋਟ 5000 ਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬਰੀਫ ਕੇ ਦੀ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਫਿਰ बार-बार ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੋ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਡਸਟਬਿਨ ਹੈ ਉਸਮੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬੈਗ ਡਸਟਬਿਨ ਵਿੱਚ ਉਸਮੇ ਰੱਖਣਾ ਬੈਗ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇ ਮੁਰ ਕੇ ਬੈਗ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾਤਾ ਅੱਛਾ ਬੈਗ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਕੋਣ ਹੈ ਜੀ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕੋਰਤ ਦਾ 5 ਕਰੋੜ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ 5 ਕਰੋੜ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਹ ਉਸੇ ਉਸੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਲਾ ਕਿ ਜ਼ੋਹਰਾ ਕਹਾਂ ਹੈ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜ਼ੋਹਰਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਤੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਪਿਆ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਕਹਤਾ ਹੁਣੇ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੋਹਰਾ ਦਿਖਾਓ ਹਾਂ ਜ਼ੋਹਰਾ ਭਾਵੇਂ ਦੂਰ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ੋਹਰਾ ਕੋ ਜਾਵਾਂਗੀ ਜ਼ੋਹਰਾ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਕਸਰ ਬਣੀ ਲੇਲਾ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਗੰਦੀ ਢੀਲੇ ਕਰਤੀ ਐ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਦੀ ਢੀਲੇ ਕਰਤੀ ਐ ਫਲੌਪ ਸੀ ਗੰਦੀ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੇਲਾ ਚਲ ਗਈ ਏ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾ ਬਚ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮਰਾਤ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਨਾਮਰਾਤ ਨਾਮਰਾਤ ਤਾਂ ਗੈਂਗ ਤੋਂ ਹੀ ਬਸਸ ਹੈ ਯੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ ਵਿਖੇ ਨੇ ਪਏ ਨੇ ਚਾਂਦਪੂਰੀ ਤੇ ਨਾਮਰਾਤ ਚਾਂਦਪੂਰੀ ਕੌਣ ਹੈ ਚਾਂਦਪੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਿੰਦਾ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈ ਉਹ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੰਨਾ ਵੀ ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਅੰਨੋ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੋ ਨੀ ਅੰਨਾ ਵੀ 104 ਬੁਖਾਰ ਤਸਲੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਆ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਹਰਾ ਜ਼ਰੀ 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 ਦੱਸੋ ਦੋ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਮੈਂ ਤੇ ਢਿੱਡ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰੀ ਮੈਂ 3-4 ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਖਾਦੀਆਂ ਟੈਂਜੀਆਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਨਾ ਵੀ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਲੱਤਣ ਡਿਆ ਮਿਰਚ ਦੇ ਗੈਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੂਗਣਾਂਗੇ ਅੰਨਾ ਵੀ ਦੇਖ 4 ਬੁਖਾਰ ਹੀ ਲੱਤਣ ਡਿਆ

आगे बढ़े फिर हाँ आगे बढ़ते हैं बात करते हैं खुदा और मोहब्बत की तो खुदा और मोहब्बत कैसा रहा खुदा और मोहब्बत की यह वाली एपिसोड इकरा के नाम इतनी शानदार और डूब के इकरा ने की इतनी अच्छी इकरा अमु... के साथ साथ मैं भी रोई बिल्कुल और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि कहीं कही ना कहीं पिछले कुछ हफ्तों से हम लोग ड्रामे में जो मसले मसायल थे उनको हम हाईलाइट तो कर रहे हैं बट कहीं कही ना कहीं हमें आई थिंक हम ये बात कहना भूल गए कहीं ना कहीं कि, कि फिरोज़ ख़ान की जो अदाकारी है इक अजीज़ की जो अदाकारी है जो सल्फ सपोर्टिंग कास्ट है उनकी हम तारीफ करना थोड़ा रह गए तो आई थिंक मैं शुरुआत करना चाहूँगा पहले तो मैं फिरोज़ ख़ान की एक्टिंग की बात करना चाहूँगा कोई डायलॉग नहीं था पूरे एपिसोड में लेकिन वो जो एक दुख था हालांकि फीदी की टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और उसकी बेगैरती एक तरफ बट जो फिरोज खान की जो एक्टिंग थी वो बहुत

पूरा वो एक, एक चीज़ पे रो रही है कर रही है माँ बाप कहते हैं हमने नहीं छोड़ के जाना सास कहती है इसको इसका रहना वो कहते हैं बच्ची जो फैसला करेगी एक एक चीज़ पे कर रही है बेशक तैमूर फोत हुआ उसकी हाँ पे पे है उसकी माँ का गुस्सा हक पे में पे पर वो ज्यादाती करती पै है ही एक एक चीज़ पे अब वो गुस्से में है वो दुख में है उसका बेटा जवान मर गया उसको माही में लग रहा है कि इस चुड़ैल की वजह से मेरा बेटा मर गया अच्छा क्यों बेटा जवान बेटा मर गया उस औरत का हनी? शादी शादी के दिन पे और कहती है ना कि वो एक्सीडेंट ना को कतल हुआ मेरा बेटा किसी की लड़ाई की भेद चढ़ गया तो उसे पता है कि इसका भाई था इन मनुष्यों का मेरा बेटा मर गया दुख क्यों ना मनाए वो वो तो गुस्सा कैसे ना करे माँ वो चे? हर किसी का डिफरेंट तरीका होता है रिएक्ट करने का आपका कर शायद डिफरेंट मतलब हर किसी का अपना तरीका होता है ये कह कि हाथ पे में दुख करने में जैसे अब रात को उठ के देखती है तभी उस पे माही बैठी रो ही रही है और माही ये भी कह रही है

ਚਲੋ ਡਰਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਆਪ ਇੱਦਤ 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 ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਦਤ ਤੇ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਇੱਦਤ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੱਚਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਦਤ ਦਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਹਣੀ ਇੱਦਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪ ਮਰਦੋਂ ਗੈਰ ਮਰਦੋਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਉਹ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਜਿਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਰੁਖਸਤ ਹੋਣਦੇ ਨੇ ਮਾਪੇ ਬਰੁਖਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਅੱਛਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਐਸ ਡਰਾਮੇ ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੱਥਾ ਹੀ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਅਬ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਬ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਦ ਰੁਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਇਵਨ ਕਿ ਉਸਕਾ ਆਪਣੇ ਜੇਟ ਸੇ ਵੀ ਅਬ ਪਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਮਹਿਰਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਖੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੈਂਡ ਸਾਰੀ ਗਾੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਡਰਾਈਵਰ ਗਾੜੀ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਮਰਦ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਐ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਦਾਈਏ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਐਪੀਸੋਡ ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ ਇੱਦਤੇ ਖਤਮ ਸੀ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਦਤ ਸੀ ਫਿਰ ਕਮਸ ਕਮ ਉਹ ਸੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ ਮਾਹੀ ਬੱਚੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਹੁਲਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਸ ਕੋ ਕਹਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹੀ ਰਹੂੰਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਮਾਹੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਸ ਪਜਾਮਾ ਐਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਫਸ ਫਸ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਫਿਰੋਜ਼ੀ ਰੰਗ ਦਾ ਸੂਟ ਪਵਾ ਕੇ ਦੁਪੱਟਾ ਫੁੱਲ ਪਿਆਰਾ ਸੂਟ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਹੁਲਿਆ ਵੀ ਹੈ ਸੋਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਪੀਸੋਡ ਦੀ ਇੱਦਤ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਇਹ ਇੱਦਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਤਨੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੂਟ ਨਾ ਸਾਰਾ ਦਾਦੇ ਚ ਉਸ ਪਜਾਮਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਥਰੀ ਪੀਸ ਸੂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੂਟ ਦਿਖਾਤਾ ਉਹ ਦਹਾਤਾ ਇੱਦਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗਲਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੱਚਾ ਜੇ ਤੂੰ ਐਡੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਸਟ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਟਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ আচ্ছা ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਮੁਝੇ ਆਬ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਫਰਹਾਦ ਜੋ ਹੈ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੈ

कहाँ पे भावलपुर भावलपुर में है पता नहीं मुल्तान से मुल्तान में है हाँ। हा। मुल्तान में कौन रहता है ये मतलब मुल्तान में और कौन रहता है मैंने नहीं मैं तो दस मेरे ने ना दिमाग लगा की माई कहाँ रहती है अब मुल्तान सारे लोग कहाँ पे हैं मुल्तान तो वो सबसे बचना चाह रहे हैं तो मुझे को देखना दे कोई रस्ते में की बनी है? अच्छा थाजा, थाजा, थाज ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਆ ਐਂਟਰੀ ਕਿੰਜ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇ ਲਵ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੇ ਠਹਿਰ ਜਾ ਕੋਨਾ 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 ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮੂਨ ਮਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਫੇਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕੱਖ ਨਾ ਦਿਖਾਈਏ ਮੈਚਨੈਟਿਕਾ ਛੋੜ ਦਿਓ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਕੋ ਮੈਚਨੈਟਿਕਾ ਦੀ ਟਮੈਟਿਕ ਸੀ ਹੈ तो चदर वो एक को के फिर लास, लास जो उठा लाइटें तो आ रहे होते हैं तो डायरेक्टर का विजन है तो इसमें भी कोई अच्छा फिर हूँ जगह जगह फिर पिया है जिंदा पिया खाना पीना कुछ सारा कुछ कर

चल अगले ड्रामे चलिए आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं। डंक की, तो डंक कैसा रहा इस ड्रामे में बताया कि बीवी का रिश्ता अगर बीवी बुरी हो ना इससे बुरा रिश्ता कोई नहीं है सारे माँ बाप है छिड़वा देती है आप इसमें सफीर अपनी बीवी के पीछे लग गई अपनी भाई के साथ जो सलूक सलूका रहे बीवी के पीछे लग के कर रहा है तू फितने साल अपने भाई के साथ रहा तुझे नहीं पता तेरे भाई के नेचर किस तरह की है तू उसे चुड़ैल के पीछे लग के कर रहा है अच्छा ड्रामे की ये वाली बात देखो कितनी अच्छी है हम शुरू में ये था हम कह रहे थे कि जो हैदर है वो इसमें चीख की तरह गलत है तो अमल को हम मजलूम समझ रहे थे ड्रामे का क्या अपजिट निकला अमल चुड़ैल है और वो वो ऐसे निकला ड्रामा ड्रामा बहुत मजे का जा रहा है कि जैसे आप इसमें बोल रहे लोग बहुत ड्रामे, के साथ ड्रामे को खींच रहे हैं खींच रहे तो वही खींच रहे हैं, हैं। तो तकरीबन पाकिस्तान है। अब इस वाले ड्रामे में मैं बच्चों से ये पूछना हूं। हैदर पे इतनी क्यामतें टूट गई इतना सब कुछ हो गया हैदर चुप क्यों है बच्चों प्लीज मुझे इस बात का जवाब देना कि हैदर जब इसमें हो सकता है ना वो प्रोफेसर अंजुम ने एफआईआर कटवाई थी ਉਸकी बीवी मिनाल उसको भी नहीं पता कि मेरे मियां की कीक क्या है हैदर को आप जि, जिस नहस तक वो चुड़ैल चली गई अमल अमल आप उसका भाई सफ़ीर क्या करता है अमल कहती है कि फिर वो आया था वो आया था कहता कौन कहती है हैदर वो कहता था मैं घर के बाहर और अंदर भी आ सकता हूं थोड़ी की नहीं सेंस इस्तेमाल करता सफ़ीर कि मेरे पराने ते ऐसे चुड़ैल दे नाल शादी तो आप इंकार कीता सी हुण इस देन दे पीछे क्यों पया होया है जो कही जा रही है कुत्ती उसके पिछे के वो पागलों की तरह सफीर हो रहा है सफीर अपने उधर जाता है थाने में रिपोर्ट लिखवाता है वहां पे इंस्पेक्टर कहता है कि इल्जाम पे बड़े संगीन ने कंब गया सफीर बगैर ना कंबिया वह ला लू के इल्जाम घर आ गया घर आके बाप को कहता है कि मैं ना उसको लिया है घर लिया है और कहता है, मैं उस सफीर को उसको ना हैदर को ना कहता मैंने पकड़वा दी भाई इसमें ना बाप का जो करेक्टर है ना वो पूरा उल्लू बाटा हैदर है का बाप क्या है उल्लू बाटा उल्लू बाटा उसकी माँ का करेक्टर लैला वास्ती हाय हर माँ मैं कहनी हूँ इन्ना वो ऐसे फिर ऐसे हो जाते कि हाय मेरे बच्चे उ करवा के जा गया अच्छा उसके बाद अब क्या है कि क्या कहते हैं हैदर का कमरा खाली करवा रहा है इतना फिर उल्लू बाटा ने किया ये औरतों के काम होते हैं घर कमरों से सफाई वगैरह करवानी तो सीधी तरह किसी मुलाजमू कहता हैदर का कमरा पूरा साफ कर दो मैंने कोई चीज नजर ना आवे हैदर का बाप ने कमरे में जाके एक एक चीज हैदर की क्यों उठा उठा के फेंकी है की तुख तु की तुख सी फिर उसमें जब वो तस्वीर पहनता है ना फिर जो हैदर की माँ ऐसे करती है वो सीन था बहुत शानदार मैं कहनी ड्रामे वाले है कि ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਹਾਈਪਰ ਫੈਸਲ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਖੇਤ ਸੁਆਵ ਮਿਲਣਾ ਪਰ ਫੈਸਲ ਕੋਦੀ بیوی ਜੈਦਾ ਥੀਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਦਿੱਤੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਨਾ ਲਾਊਡ ਪਿਛੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾਤਾ ਸਭ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਤੜੀਂ ਬੋਲਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਵੀ ਗਈਆਂ ਫੇਰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜ਼ਾਲਮੋ ਐ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਚਾਰ ਮਰ ਗਿਆ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਡਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਣ ਦੇਣੀਆਂ ਮਹਾਰਾਡਾ ਮਾ ਜੈਸਾ ਬਹੁਤ ਪਕੜਾ ਗਿਆ ਹੈ तो फिर जब ड्रामा आगे वो बताएगा कुछ मेरा ख्याल है दोस्त कह रहा है ना कि तू कुछ बता अपनी माँ के लिए कर तेरी माँ तेरे पे यकीन करती है करती है तो तू अपनी माँ के लिए जो सच्चाई है वो अब बता अपनी माँ के लिए मेरा ख्याल वो करेगा मेरे मुझे तो बहुत पसंद है डांस ड्रामा आगे बढ़ फिर आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी ड्रामा सील की तरफ जिसका नाम है आखिर कब तक तो आखिर कब तक कैसा रहा आखिर कब तक ड्रामा इस ड्रामे का मुझे सब से मजे का जो करेक्टर है वो गुले राना का है अच्छा। हनी इतनी मज़े की बातें हालांकि वो उसका दिखाया कि वो बड़ी गंदी सास है जुलम करती है हाय जड़े वो फिक्रे बोल दी कोई मज़ा आंदा है इतनी मज़े की राइटर ने जो लिखी है उसके लिए बातें और जो गुले राना उस पर कर रही है एक्ट लव यू गुले रोना बहुत सबसे मजे का ड्रामे में अगर यह ना गुले रोना क्या कर दिखाता उसी की बातें दिखाते जाए अच्छा इस ड्रामे में अब ये कहना चाहती हूँ इसमें राइटिंग कमजोरी की कमजोरी कही जाएगी कैदी कही जाएगी जो बच्ची फजर है सिरा बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है अब वो बच्ची पिछली इतवार को अकेडमी गई है इतवार को अकेडमी बंद होती है फिर वो बच्ची मैं पिछले एपिसोड में भी बता चुकी हूँ कि वो बच्ची जो सारे जमाने से डरती है जिसकी कोई दोस्त नहीं है कुछ नहीं है वो इतवार को अकेडमी गई है अजीब गरीब गाल हो गई सारी अब उसके बाद इस वाली जब उसमें उसमें रेप कर लिया उसने असफर ने रेप कर लिया अब इस वाली एपिसोड में उस बच्ची का रिएक्शन दिखा रहे हैं रिएक्शन दिखा रहे हैं बच्ची पागल हो गई हुई है चीखे मारती है बुखार सारा कुछ है मैं कह रही हूं इसमें उष्ना का करेक्टर मुझे भी नाम इसका याद आ रहा उष्ना का क्या है उष्ना का करेक्टर बड़ा स्ट्रोंग दिखाया उसकी माँ बेचारी जो है इन दोनों की बच्चियों की वो बेचारी जबेरिया वो तो दुख सह सह के सारे घर के खामद के सास के अजीब हवास बाप का दुखी सु बेचारे को कुछ नहीं पता चलता कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना उसकी तो माफी होगी अब उषना एक अक्लमंद स्ट्रोंग बच्ची दिखाई है वो क्यों इस चीज को नहीं गौर कर रही कि जब इतवार को मेरी बहन अकेडमी गई है उसके बाद से हालांकि पहले सिर्फ ये था कि डरती थी डरते डरते भी अकेडमी में वो ठीक हो गई थी असफर से एक मुलाकात के बाद ही अपनी बहन को कहती थी अभी अकेडमी में ठहरते हैं चाय पीते हैं तो वो हैरान हुई थी मेरी बहन कैसे बदल गई है सिर्फ वो डरती थी अब वो पागलों की तरह हरकतें कर रही है छत से छलांग लगाने लगी थी ये सारी बातों के जवाब में उस बच्ची का दिमाग खुशना का क्यों नहीं जा रहा कि इतवार को ये अकेडमी गई थी तब से मेरी बहन बिल्कुल इस तरह पागल हो गई है वो चीज़ का सराख लगा है इसमें सोचना चाहिए था एक लम्हे के लिए उचना का दिमाग इस तरफ गया ही नहीं है कि मेरी बहन जो इस नह तक पहुंच गई है वो सारा उसी दिन जो हुआ जो हुआ बहन बताए या ना बताए उचना को खुद से ही सारा पता कर लेना चाहिए कि सारा कुछ उसी दिन हुआ कि बहन डरते डरते पागल बहन हो गई है चीखे मार रही है वो बच्ची इन्जॉय करो ड्रामे को हाँ मैं तो हाँ ड्रामे को कर रही हूँ और बोलना है कुछ ख़त्म नहीं बस इसी के साथ हमारे रिव्यूज़ का सिलसिला होता है ख़त्म वक्त हुआ मेरी रिकमेंडेशन का आज का शो है स्कैम 1992 इस शो को बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया था बहुत तारीफ़ हुई थी एक इंडियन शो है मैं इसको अभी देख रहा हूँ तो मैंने की तीन अपिसोड देखी हैं और बहुत इंटरटेनिंग शो है असली कहानी पर बेस्ड है नाइनटीन में एक इंसान ने पाँच करोड़ का फ्रॉड किया उठल इंडिया का सबसे बड़ा फ्रॉड कहा जाता है इसको स्टॉक मार्केट का उसकी सारी और असली कहानी है नाइनटी नाइनटी टू में पाँच सौ करोड़ का कर, ठीक है सोच लो तो असली कहानी है सारी तो वो और आपको लग रहा होगा कि भाई हमें दिलचस्पी नहीं है हमें वो टर्म्स समझ नहीं आएंगी स्टॉक मार्केट की तो बिल्कुल ऐसा कुछ कंफ्यूजिंग शो नहीं है बिल्कुल उन्हें ऐसा इसको लेके चलें ताकि जिसको कुछ नहीं पता उसको भी सब समझ जाए क्या हो रहा है और बहुत अच्छा शो बना हुआ है अच्छी एक्टिंग अच्छी परफॉर्मेंसेज सॉलिड राइटिंग है और बहुत ही एक

हमें फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम ये मेरी फोर्स के लिए हमें यूट्यूब सब्सक्राइब भी कर लीजिए और देखते रहें अम्मा टीवी में